न्यू आजाद गणेशोत्सव समिति द्वारा सेंट्रल एवेन्यू सेक्टर 2 में गणेशोत्सव का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर गणेश जी की 16 फीट ऊंची प्रतिमा का दर्शन कर पंडाल में बने एक पेड़ मां के नाम थीम की झांकी का लुत्फ उठा रहे हैं। सेक्टर 2 गणेश पंडाल में न्यू आजाद गणेश उत्सव समिति के द्वारा भव्यता से विघ्नहर्ता भगवान गणेश का पर्व गणेश चतुर्थी मनाया जा रहा है। निवाजात गणेश उत्सव समिति 40वें वर्ष में विशाल प्रतिमा भगवान गणेश की जहां पर विराजित की है, श्रद्धालु इसका दर्शन लाभ ले रहे हैं। साथ ही यहां की झांकी एक पेड़ मां के नाम शहरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए एक पेड़ मां के नाम का थीम लिए यहां पर जो झांकी तैयार की गई है, रोजाना इसे देखने और भगवान के दर्शन करने हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। और जहाँ भी हो पूजा पंडाल के पास आ जाए, अंदर में गणेश मंच के पास पहले अपने झूठे बच्चों को देखते ही बन रहा है। और इसके पीछे जो कार्यक्रम स्पीचलेस हुई है, अध्यक्ष का प्रयास तो एकदम शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। समिति के अध्यक्ष ने तो जो उन्होंने अपनी बप्पा के दर्शन कर लिए, क्या कामना की बप्पा से? सब खुश रहे सर, बताएंगे बप्पा से क्या कामना किए? सबकी मनोकामना पूरी की है, सबकी मनोकामना। और ये जो सेटअप तैयार किया गया है एक पेड़ माँ के नाम, पेड़ों की महत्ता कैसा लगा? ये तो बहुत अच्छी संदेश है। अच्छा, तो हर जगह फैलना चाहिए, बाकी हर जगह लगाना चाहिए, संदेश पहुँचना चाहिए हर जगह। सभी मनुष्य को एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए, बिल्कुल सभी को लगाना अनिवार्य है। बहरहाल पर्व के दूसरे दिन यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। ACN News के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।